दोस्तों, अगर यहाँ एडमिशन हो गया तो यकीन मानिए लाइफ बदल जाएगी, लेकिन उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से लेके पास आउट होने तक मेहनत, खूब मेहनत करना पड़ेगा आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीश शाही, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट दृश्य कला संकाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और वहाँ के कोर्स और वहाँ की फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम BHU के फाइन आर्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले थोड़ा सा BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। BHU अपने इंडिया एंड ऑल्सो एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। ये टोटल 1300 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। आइए इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं। दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, एक बार इनको नमन। इस्टेब्लिश 1916 में हुआ था। यहाँ के एनवायरनमेंट की बात की जाए दोस्तों, तो आप ये समझ लीजिए कि BHU अपने फ्रेश, अपने ग्रीनरी के लिए काफ़ी जाना जाता है। और आप जब BHU गेट से, एंट्रेंस गेट से एंट्री करेंगे, तो बाहर का जो वातावरण होगा, बाहर का जो एनवायरनमेंट होगा, उस एनवायरनमेंट से BHU के अंदर का एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में अगर आप कंपेयर करेंगे, तो हो सकता है 2 से 4 डिग्री तक आपको फ़र्क इंस्टेंट वहाँ पर देखने को मिल जाए। यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट देखने को आपको मिल जाते हैं, IIT, IIMS, IAS, IIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IAS इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड साइंस। वहीं अगर फैकल्टी की बात की जाए तो आर्ट, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, लॉ, एजुकेशन, टोटल कुल मिला के यहाँ पे 16 फैकल्टीज आपको देखने को मिल जाती हैं। फैसिलिटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हॉस्टल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, जिम, स्विमिंग पूल, टेंपल, इसके अलावा ढेर सारे ग्राउंड्स और ऑडिटोरियम वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी में जो होना चाहिए, जो आपको एक संपन्न यूनिवर्सिटी में मिलना चाहिए, वो सभी यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। उसके अलावा लोकेशन की बात की जाए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी, UP, इंडिया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। अब आइए दोस्तों, हम यहाँ के फाइन आर्ट्स यानी कि फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट दृश्य कला संकाय BHU के बारे में बात करते हैं। यहाँ के अगर फॉर्म रिलीज की बात करें दोस्तों, तो वो फरवरी और मार्च के बीच में होता है। फॉर्म फिलिंग अगर बात की जाए तो वो सिर्फ ऑनलाइन मोड पे होता है। एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस बेस्ड पे होता है। एग्ज़ाम पेपर जो लैंग्वेज होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल है, गर्ल्स हॉस्टल भी अवेलेबल है। वहीं अगर यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स की बात की जाए तो यहाँ एनुअल आर्ट फेयर होता है, एनुअल आर्ट एग्जीबिशन भी होता है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे, तो ढेर सारे छोटे और बड़े फंक्शंस अक्सर करके BHU में होते ही रहते हैं। दोस्तों, फाइन आर्ट्स के अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, टेक्सटाइल डिजाइन, स्कल्पचर, पॉटरी एंड सिरामिक, टोटल 5 डिपार्टमेंट आपको फाइन आर्ट्स के लिए मिल जाते हैं। और वहीं दोस्तों, यहाँ के फाइन आर्ट्स की अगर बात की जाए, फाइन आर्ट्स के कोर्सेज के बारे में अगर बात की जाए, तो BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इस BFA कोर्स के लिए यहाँ पे लगभग 100 सीट्स हैं, जो कि रेगुलर सीट्स हैं। इसके अलावा आपको पेड सीट भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो और सभी सीट्स को मिला के लगभग 120 सीट्स हो जाते हैं। और अगर दोस्तों पेड सीट की बात करें, तो जिस स्टूडेंट का नंबर एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो नंबर होता है वो एवरेज नंबर से कम होता है, यानी कि एडमिशन रेगुलर सीट पे लेने से थोड़ा सा कम होता है, उनको पेड सीट के लिए कॉल लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से जाता है, और सिर्फ वही पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका नंबर थोड़ा सा कम हो। हालांकि जिसका नंबर ज़्यादा कम है और जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसको वो कॉल लेटर नहीं जाता है और वो उस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। BFA टोटल 4 साल का कोर्स है। फर्स्ट ईयर में आपको फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है। इस फाउंडेशन कोर्स में आपको पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, टेक्सटाइल डिजाइन, स्कल्पचर, पॉटरी एंड सिरामिक, इन सभी सब्जेक्ट को 1 साल के अंदर आपको पढ़ना होता है, और उन 1 साल में आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं अपने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, अपना सब्जेक्ट चूज करने के लिए जो आपको सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट लेना है, यानी कि आप पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, टेक्सटाइल डिजाइन, स्कल्पचर, आप जिसमें जाना चाहते हैं उसमें अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में अपना पसंदीदा सब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। लगभग 8 CGPA, कम से कम मिनिमम 8 CGPA आपका होना चाहिए आपको अपने सब्जेक्ट, अपना मतलब स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स लेने के लिए, कम से कम 8 CGPA मिनिमम होने चाहिए, फिर जाके आप उस सब्जेक्ट के साथ सेकेंड ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक अपना पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। और अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, आपको अपना सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है, तो कॉलेज डिसाइड करेगा जिस डिपार्टमेंट में जगह खाली होगी उस डिपार्टमेंट में आपको भेज दिया जाएगा। और BFA में अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर सीट्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे पेंटिंग में 39 सीट्स है, अप्लाइड आर्ट में 41, स्कल्पचर में 21, टेक्सटाइल डिजाइन में 9 और पॉटरी एंड सिरेमिक में भी 9 सीट्स हैं। और अब अपने सेकेंड कोर्स की बात करें दोस्तों, तो वो है MFA, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स।
इसमें टोटल 35 सीट्स हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 साल का कोर्स है। जो सब्जेक्ट आपको BFA में जो स्पेशल सब्जेक्ट आपके साथ रहेगा उसी सब्जेक्ट से आपको MFA करना होगा। अब बात करें दोस्तों हमारे नेक्स्ट और आखिरी कोर्स की, तो वो है PhD। और बात करें दोस्तों PhD के सीट्स की, तो वो वहाँ के कॉलेज के प्रोफेसरों के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊँगा। तो दोस्तों ये टोटल 3 कोर्सेज हैं यहाँ के फाइन आर्ट्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी मटेरियल्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की बुक्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से उसको परचेस करके उसको रीड कर सकते हैं यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए। यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम में क्या टॉपिक आता है, कितना टाइम दिया जाता है, उन सभी पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है, वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा और नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में क्या अच्छा लगा वो कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा फाइन आर्ट्स और ड्राइंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।